Bismillah ar ar rahim alaykum. I am Sumbal Khan presenting my ninth lecture of class three from New Oxford Social Study. It's my revision lecture of class three, unit number five, where we live. Lesson number twelve, cities and villages. Page number sixty-seven to seventy. Homework is write the names of five provinces. Here is your book title page. Let's start. Cities and villages. Where we live. सिटीज़ लाइफ एंड विलेजेस लाइफ आपको पता है आप अपने मोस्टली uh, जो आप बच्चे हो आप लोगों के बैकग्राउंड जो है वो विलेज से बिलोंग करते हैं ठीक है आप लोग अपने विलेजेस में जाते हो वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है कि विलेज लाइफ कैसी होती है और सिटीज़ लाइफ कैसी होती है ये रिविज़न लैक्चर्स हैं और रिविज़न लेक्चर्स को आपने निग्लेक्ट नहीं करना बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ आप लोगों ने रिवाइज़ करना है और जो आपका मिसिंग वर्क है वो भी आप साइड बाय साइड कम्प्लीट करते रहेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं यहाँ से विलेज एंड सिटीज़ लाइफ थाउजेंड ऑफ यर्स अगो देर वर नो सिटीज़ बहुत हज़ार साल पहले उन्होंने कहा है कि कोई भी सिटीज़ कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी एन एंशंट सेटलमेंट ठीक है ये एनशेंट कदीम बहुत पुरानी सेटलमेंट इस तरह से था बिल्कुल मैदान और इस तरह से रॉक्स वगैरह थे इस पर फिर लिविंग स्टार्ट की लोगों ने रहना स्टार्ट किया लोगों ने पीपल लिव इन स्मॉल कम्युनिटीज और सेटलमेंट्स दे चूज अ सेफ प्लेस वेयर देयर वॉज वाटर एंड वेयर वो देयर वॉज इन नफ फूड वो छोटी सेटलमेंट सेटलमेंट मतलब छोटी सी जगहों पर रहते थे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को देख कर के जहाँ पर खाना उन्हें आसानी से मिल जाए यानी उनको प्रॉपर तो अब तो हमारा बहुत बड़ी ये सोसाइटीज़ बन गई और सारा कुछ प्रॉपर सेटलमेंट्स बन गई कम्यूनिटीज़ बन गई हैं पहले ऐसा कुछ भी नहीं था स्टार्ट के जो अर्ली पीपल थे उन्होंने बहुत मुश्किल से लाइफ स्पेंड की थी उन्होंने फिर वेज निकाले थे ज़िंदगी में रहने के तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि जहाँ पर थोड़ा पानी मिल जाए उन्हें पीने के लिए और खाने के लिए कुछ फूड मिल जाए वहाँ पर वो लोग अपनी सेटलमेंट्स बना लेते थे यानी रिहाइश बना लेते थे इन सम प्लेसेज ऑफ पावरफुल पर्सन बिकेम द किंग एंड रूलर किंग ऑफन बिल्ड अ पैलेस द किंग यूजअली हैड मैनी सर्वेंट्स एंड अज आर्मी कहने का जो पावरफुल आदमी होते थे उस जमाने में वो किंग कहलाते थे बादशाह होते थे और बादशाह का पैलेस होता था महल होता था या वो किला बना लेता था और उसकी बहुत बड़ी आर्मी होती थी जो जंगे लड़ती थी और बहुत सारे उसके सर्वेंट्स होते थे गुलाम होते थे ये सारी बातें आपको पता है ऑल द पीपल हु वर्क फॉर हेम नीडेड होम्स एंड फूड एंड ईट food टू ईट soon मोर पीपल केम टू सेटल क्लोज टू द किंग एंड मोर houses वर बिल्ड फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो लोग थे वहाँ रहते थे उनको खाना भी वो प्रोवाइड करता था उनको हाउसेस भी वो देता था रहने के लिए फिर कुछ ऐसा हुआ कुछ टाइम के बाद बहुत से लोग और आए और उसके सेटलमेंट के जो किला था जो पैलेस था उसके इर्द गिर्द भी अपनी रिहाइश बनाना शुरू कर दी अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी देर व देर वल्सो ग्रेट मार्केट्स एंड बाजार्ज वेयर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स केम विद देर गर्ल्स एंड प्रोड्यूस एंड वेयर क्राफ्ट मैन सेट अप देयर वर्कशॉप्स सोन दिस प्लेस ग्रियो एज सो एज देट बिग डेट दे बिकम सिटीज अच्छा उन्होंने कहा है कि जो सेटलमेंट्स थी उसमें बहुत बाजार होते थे बहुत मार्किट्स होती थी जहाँ पर बाहर से ट्रेडर्स आते थे ट्रेडर्स मतलब ताजिर आते थे और फार्मर्स आते थे अपनी चीज़ें अशिया लेके गुड्स लेके बेचते थे वहाँ पर और आहिस्ता आहिस्ता क्या नहीं ये सिस्टम चलता गया चलता गया और वो सिटीज़ का रूप लेती गई सिटीज़ में कन्वर्ट होती रही चीज़ें थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो मोहनजो दाड़ो वॉज अ बिजी सिटी टुडे ओनली द रियून्स ऑफ दिस सिटी कैन बी सीन मोहनजो दाड़ो का बहुत बड़ा नाम है ठीक है मोहनजो दाड़ो जो है Uh, उन्होंने कहा है कि पहले बहुत बिजी सिटी हुआ करती थी लेकिन अब सिर्फ उसकी तबाही ही देखी जाती है उसके अंदर कुछ भी नहीं है डेथ बॉडीज़ निकलती हैं वहाँ से उसकी तबाही कौन जो हिस्ट्री है वो आपको पता होगी कि जो उसमें थी मोहन जदाड़ो में हुआ क्या था सिटीज़ इन पाकिस्तान सिटीज़ इन पाकिस्तान में आप पढ़ लेते हैं पाकिस्तान के शहर पढ़ लेते हैं देर आर नाउ थाउजेंड ऑफ़ लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान टू देर आर मेरी एंड सिटीज़ ईच अ कैपिटल सिटी विद द गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑफिस अच्छा उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सिटीज़ और टाउन हैं मौजूद हैं हर प्रोविंस का अपना अपना कैपिटल भी है पूरे पाकिस्तान को तो एक ही कैपिटल है ना इस्लामाबाद ठीक है बट जो हमारे फाइव प्रोविंज़ हैं हमारे प्रोविंस के हमारे जो सूबे हैं उनके अपने कैपिटल्स हैं क्योंकि वो उनको कंट्रोल करने के लिए अलग सा गवर्नमेंट है ना पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए तो एक गर्मेंट है ही है लेकिन जो प्रोविसेज़ हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट्स भी होती हैं ठीक है जो प्रोविंस को उनके ऑफिसज होते हैं वहाँ पर वो उनके प्रॉब्लम्स उनकी जो सारी चीज़ें हैं वेलफेयर की और भी जो सारी डिस्कशंस होती हैं वो वहां पर बैठ कर करते हैं द कैपिटल सिटी इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोविंस गोज ऑन फॉर एग्जाम्पल सिंध इज द प्रोविंस ऑफ कराची इज़ इट्स कैपिटल ये अब हम मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोविंस होते हैं उनके अपने कैपिटल होते हैं अब सिंध हमारा प्रोविंस है उसका कैपिटल है कराची और कराची मेन ऑफिस है जहाँ पर सारी चीज़ें पूरा सिंध वहीं से कंट्रोल होता है ऑन द मैप यू कैन सी द सिटीज एंड लार्ज टाउन्स ऑफ पाकिस्तान समीज़ आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ इन दीज सिटीज़ देर आर यूजली मैनुफैक्टरीज द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गड्स दैट आर सोल्ड there are lots of jobs in factories industries is an important because it generates money प्रोवाइड्स जॉब कहने की पाकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहलाते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़ कहलाती हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं और आपको पता है एक फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है और जहाँ पर बड़ी फैक्ट्री होगी वहाँ पर वर्कर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बनती हैं वहाँ से फिर जब चीज़ें निकलती हैं तो उसको जब सेल आउट किया जाता है तो बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है और वह सब में फिर उनको एक सैलरी की बेस में मिलती है और बाकी सारा जो ऑनर होता है उसके पास जाता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है फैक्ट्रीज़ में जॉब करना फ़्लाई ओवर इन लाहौर ये फ़्लाई ओवर बने थे लाहौर में ये न्यू इमेज है इसका अच्छा जी मोहब्बत खान आ, जो है मॉस्क इन पेशावर और ये पेशावर की मॉस्क है यानी मस्जिद है फेमस चीज़ें यहाँ पर देख लेते हम क्या कह रहे हैं एंड हेल्प द इकॉनमी अच्छा हम कह रहे हैं कि पैसे और जॉब की जो हमें मिलती है वहाँ से जो हमारी इकॉनमी को हेल्प करती है दीज सिटीज वर स्टार्टेड इन प्लेसिस विच हैड अ गुड वाटर सोर्स सच एज अ रिवर और लेक मिनरल्स इन द ग्राउंड एंड सो गुड सोर्स ऑफ पावर नियर बाय द पावर में बी कम फ्राम गैस कोल एंड ऑयल यानी कि ये चीज़ें जो हैं पानी के बिना जो हैं वो नहीं चल सकती पानी जहाँ पर फैक्ट्री एरिया बनाना होता है हमें उसके लिए हमें पानी बहुत जरूरी होता है मादनियात हमें बहुत जरूरी होती है मीन जो मिनरल्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स हमें यूज़ करने होते हैं हमें पानी बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं और फैक्ट्रीज उसी एरिया में जहाँ पर बनती है जहाँ पर पानी की शॉर्टेज नहीं होती और उन्होंने कहा कि पावर जो हमें चाहिए होती है यानि बिजली हमें ऑफ कोर्स चाहिए होती है तो बिजली वो लोग गैस से बनाते हैं कोल से यानी कोयले से बनाते हैं ऑयल से बनाते हैं ठीक है जनरेट करते हैं विजेज़ अभी तो सिटी की बात हो गई थी अब विलेजेस पे आ जाते हैं क्या कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर टू हंड्रेड एंड सेवन मिलियन ये पॉपुलेशन आबादी पाकिस्तान की इतनी है आउट ऑफ एवरी हंड्रेड पीपल इन पाकिस्तान सिक्सटी लाइव इन विलेजेस एंड फोर्टी लिव इन दिटीज ऑफ द टाउन लिव हैचा वो कह रहे हैं कि लिव करते हैं यानी yani सिक्सटी जो परसेंट लोग हैं वो विलेज में हैं और फोर्टी परसेंट जो लोग हैं वो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं मोस्ट यानी yani हमारी जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है टू नो हाउ मैनी पीपल देर आर इन अ कंट्री द गवर्नमेंट कैरीज आउट अस दिस इज अं काउंटिंग एक्सरसाइज डेट इज अस हाउ मैनी पीपल देयर आर इन वट एज ग्रोप्स वट वर्क द डू एक्सेट्रा देंसस हेल्प द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द फ्यूचर अब सेंसस एक डिवाइस है एक आप आला कह लें एक सेटेलाइट के थ्रू कह लें कि पूरे पाकिस्तान में वो बताते हैं कि इतनी एज का ग्रुप के बच्चे मतलब बच्चे कितने हैं यंगस्टर्स कितने हैं और ओल्ड सिटीजन्स कितने हैं ये सारी चीज़ें हमें सेंसस बताती है और वह गवर्नमेंट को हेल्प आउट करती है कि कंट्रोल करने में पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इकोनमी कंट्रोल करने में कि वो किस तरह से आगे फ्यूचर में काम कर सकते हैं अ विलेज इन पाकिस्तान ये दिस टाइप ऑफ विलेज आपने ये देखा होगा जब आप अपने विलेज जाते हो गांव जाते हो तो आपने इस तरह की वुमेन भी देखी होंगे अब वर्किंग वुमेन इन अ फील्ड ठीक है खेतों में काम करती हुई जो हैं वर्किंग वुमेन अपने फार्मर्स के साथ अपने हस्बैंड के साथ काम करती हैं और जो आ, खेतों में काम नहीं करती मीन्स हारवेस्टिंग नहीं करती वो क्या कहती हैंडी क्राफ्ट बनाती हैं घर पर बैठ के ऐसे ही है ना जो विलेज uh, वुमेन होती हैं विज डू यू नो वट लाइफ इज़ लाइक देअर लाइफ इन अ विलेज इज़ सिंपल एंड क्वाइट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम लाइफ इन अ सिटी देर आर नॉट मैनी पीपल इन अ विलेज देर इज़ हार्डली एनी ट्रैफिक कह रहे हैं बहुत से कम लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत कम ट्रैफिक यहाँ होती है इसकी लाइफ और सिटी लाइफ दोनों डिफरेंट होती हैं सीरियल ग्रीन क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन अराउंड द विलेजेस देर आर ऑर्चर्ड्स विर फ्रूट्स इज़ ग्रोन सीरियल्स यानी आ, अनाज जो है course, हमारा जो है वो सारे फार्मर्स ही उगाते हैं ग्रो करते हैं तभी हमारी मार्केट्स में आता है और हम सिटीज़ में लेते हैं हम ख़ुद से तो नहीं ग्रो करते तो ये सारी चीज़ें वहाँ वो लोग ग्रो करते हैं फिर उसके बाद हमें मिलती हैं ऑर्चड्स बोलते हैं बागात को वगैरह वहाँ पर बहुत सारे बागात भी हैं जो हमें मिलते हैं ऐसे ही है ना बहुत सारे आ, क्योंकि ये बाघ जो होते हैं औरचर्ड्स होते हैं बड़े बड़े इलाकों में होते हैं और इस ऐसे जगहों पर होते हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक पोल्यूशन नहीं होती आगे कारपेट वीविंग ये कारपेट बना रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड इस तरह से ये, ये लोग हार्वेस्टिंग करते हैं और सारी काश्तकारी जिसे बोलते हैं ट्यूबवेल्स हैं ट्यूबवेल से है, ये लोग पानी जो है वो इरीगेट करते हैं सबको यानी आपाशी आप का निज़ाम जिसे बोलते हैं इसके बाद ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के थ्रू इस तरह से वो किए जाते सीड्स सॉ किए जाते हैं बाकी की रोटी विद सरसों का साग और ये जो है स्पेशलिटी होती है गाँव की अच्छा जी ये वो क्या कह रहे हैं और आगे द वॉटर कम्स फ्रॉम रिवर कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स एंड वर्क इन द फील्ड्स इवन द वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्प ऑन द फार्म सम पीपल मे फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय ये मैंने अभी आपको बताया है कि ट्यूबवेल के, के थ्रू जो है वो पानी दिया जाता है हर जगह पर कुछ बच्चे और उनकी वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ काम करती हैं और जो लोग काम नहीं करती वो घर पे बैठ कर उनकी हेल्प आउट करती हैं और कुछ लोग फैक्ट्री में भी जो वुमेन होती हैं वो फैक्ट्री में भी जॉब करती हैं जिस तरह निटिंग होती है स्टिचिंग होती है और वह सारे काम करती हैं सम ऑफ द विलेजर्स हैव स्किल्स टू मेक थिंग्स आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मेटल देर आर ब्लैकमिथ्स कारपेंटर्स पोर्टर्स एंड कोबलर्स एंड there are those who can build houses and mend प्लाग्स and carts. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हुनर जैसे बोलते हैं हाथ का हुनर वो जानते हैं वो लकड़ी के चीज़ें बनाते हैं कारपेंटर्स होते हैं और ब्लैक स्मिथ होते हैं यानी कोयले से काम करने वाले होते हैं लोहे के काम करने वाले होते हैं और क्या बनाते हैं पोर्ट्स बनाते हैं मट्टी के खिलौने बनाते हैं मट्टी के बर्तन बनाते हैं इसके अलावा और क्या करते हैं कुछ लोग घर बनाते हैं ठीक है कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं एज अ लेबर और कुछ लोग प्लग्स करते हैं यानी कार्ड्स और वो हारवेस्टिंग करते हैं खेतों में काम करते हैं सम पीपल मोस्टली वुमेन मेक थिंग्स लाइक बास्केट्स ऑर्नामेंट्स ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स एंड डू ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ये मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम नहीं करती जो लोग कहीं पर भी इस तरह से काम नहीं करती वो हाथ से काम करती हैं या मशीनरी पे बैठकर वो ये हैंडी क्राफ्ट की चीज़ें बनाती हैं शॉल्स uh, पे आप लोग लेते हो ना शॉल्स लेते हो या बैग्स लेते हो ठीक है ट्रेडिशनल बैग्स है, uh, बनते हैं कैप्स बनती हैं ड्रेसिस बनते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है उन पर मिरर लगे हुए होते हैं बीड्स लगे हुए होते हैं तो ये बेसिकली हमारी जो वुमेन uh, हैं जो विलेजेस की हैं वो बनाती हैं ठीक है थीके? अब होमवर्क पे आ जाते हैं होमवर्क में आपने फ़ाइव प्रोविसेज के नेम लिखने आपको पता होना चाहिए हमारे फ़ाइव प्रोविसेज हैं एंड यू हैव टू नो देयर नेम्स टू पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के पी के लिख दिया मैंने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है बल्तिस्तान है यहाँ पर टी आएगा और आप देख लीजिएगा ठीक है और बहुत अच्छे से अपने माइंड में इसको रिमेम्बराइज कर लीजिएगा थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे